ओके, तो अगर आपको यहाँ पर कॉल लॉग्स में कॉल लॉग्स शो नहीं हो रहे हैं, या फिर नेम यहाँ पर शो नहीं हो रहे हैं किसी के भी, या फिर कॉल लॉग्स नहीं शो रहे हैं, तो आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व किस तरीके से कर सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो पूरी और बिल्कुल ध्यान से ज़रूर देखते रहिए। तो देखिए, यहाँ पर दो प्रॉब्लम हो सकती हैं। एक तो आप देखिए, कॉल लॉग्स यहाँ से जाते हैं, आपको यहाँ पर सब कॉल्स दिख जाते हैं, कॉल लॉग्स, ठीक है। दूसरा तरीका, आप यहाँ से जाइए, ओके करिए, यहाँ पर देखिए ये कॉल लॉग्स की आपको सेटिंग्स मिलती है, इसको आप ओपन कर लीजिए। देखिए यहाँ पर आपको सारे कॉल लॉग्स दिख जाएंगे, तो कॉल मैनेजर पे आप आके यहाँ से कॉल ड्यूरेशन चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए डायल्ड, आपने कौन से कॉल किए थे, किसको किसको डायल किया था, यहाँ पर दिख जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी नाम दिख जाते हैं, यहाँ पर रिसीव किए आपको दिख जाते हैं, मिस्ड कॉल आपको यहाँ पर दिख जाते हैं, रिसेंट कॉल्स यहाँ पर आपको दिख जाते हैं यहाँ से। अब यहाँ पर देखिए प्रॉब्लम क्या होती है कि हमें शो नहीं होता है नाम कभी कभी। तो अगर यहाँ पर आपका सिम कार्ड हिल गया है, बहुत बार क्या होता है आप ध्यान नहीं देते हैं, आप सिर्फ नेटवर्क पर ध्यान देते हैं, लेकिन आपका सिम कार्ड हिल जाता है, तो आपको अपने फ़ोन को यहाँ से ओपन कर लेना है। यहाँ से ओपन कीजिए, सिम कार्ड को निकालिए और उसको एक स्कूल वाले रबर से अच्छे से साफ कीजिए, वापस इंसर्ट कीजिए, और आपका यहाँ पर कॉन्टैक्ट वापस से शो होने लगेंगे, आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी, नाम शो होने लगेंगे। कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूंगा। अगर आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट होना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो पसंद आई हो तो टेक्सोर को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।